देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तक लास्ट क्लास में हुआ था, 13 नंबर देखिए। बनाए 13 नंबर कोई लाइट ऑफ करो हेला। थर्टी नंबर देखिए, बंद करो गेट को, बंद करो गेट, बंद करो। हेलो थर्टी नंबर पढ़िए। कंपनी क्लाउड लिमिटेड इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया 50 लाख, लाइफ कितना दिया 10 इयर्स, और सैलरी वैल्यू कितना दिया 5 लाख। डेप्रिसिएशन कौन सा बताया, एसएलएम में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, पेबैक पीरियड और एआरआर निकालना है आपको, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना देखिए यहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख है, लेस टैक्स माइनस करिए 35%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। स्क्रीन छोटा आ रहा है बोल रहे, हेलो इसके बाद देखिए। हो गया तक एड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख। ये तो बीच में तो आ गया, नीचे नहीं ला सकता। कल याद रखे तो पर्दा लेके आना, कल लेकर याद रखे तो लिख लीजिएगा, हमें भूल जाएंगे आप लिख के रखे, अरे फिर भूल जाएंगे ना। देखिए एड प्रॉफिट टैक्स 650 हो गया, लेस एड डेप्रिसिएशन करिए, तो डेप्रिसिएशन पर एनम कितना आएगा देखिए यहाँ पे, कितना कॉस्ट होता है यहाँ पे, पीबीटी 10 लाख था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 लाख था, 10 लाख था, लेस टैक्स 350, उसके प्रॉफिट ऑफ टैक्स 650, एड डेप्रिसिएशन कितना कॉस्ट बताइए 50 लाख है, स्क्रैप वैल्यू कितना है 5 लाख, लाइफ कितना 10 ईयर, तो कितना आएगा देखिए 50 लाख माइनस 5 लाख 45 लाख, 2 by 10 4,50,000, 4 लाख
ऐड करने के बाद, ऐड डेफिनेशन करिए, इसके बाद क्या कैसे इनफ्लो, और डेफ माइनस भी होगा पहले, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है, हेलो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस भी करिए, डेप्रिसिएशन क्या कर दिए 450, तो 550 आएगा पहले, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा पहले, उसके बाद कितना आएगा 450 माइनस करिए, कितना माइनस करने के बाद 10 लाख माइनस 450 हो गया, ठीक है। और टैक्स सर्वे परसेंट किसके ऊपर आएगा, 550 के ऊपर आएगा, 550% कितना आ रहा है बताइए, हेलो टैक्स या प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस होगा 450, उसके बाद कितना आएगा देखिए 550 आएगा, डेप्रिसिएशन कितना आया था बताइए, कॉस्ट माइनस कैपिटल लाइफ, तो कॉस्ट कितना 50 लाख माइनस 5 लाख बाय 10 450 हो गया, तो माइनस करने के बाद 550 आएगा, टैक्स कितना 35%, तो 550 का 35% करिए, कितना आ रहा बताइए 550 का 35%, 550 का 35% कितना आ रहा है, हेलो 550 का 35% कितना आ रहा है, बोलिए 550,000 का 35% कितना आ रहा है, 195,000, अरे माइनस करने के बाद 550 माइनस करिए 195,000 कितना आ रहा है बताइए, 550 माइनस 195,000 कितना आ रहा है 357,500, फिर ऐड करिए डिप्रेशन कितना 450 ऐड करिए इसमें, तो कैश इनफ्लो कितना आएगा बताइए ऐड करने के बाद 8 लाख 807,500, अब इसके बाद क्या निकालना पेमेंट पीरियड, यहाँ कैश इनफ्लो इक्वल है, यहाँ पे कैश इनफ्लो क्या बताए, यहाँ पे इक्वल कैश इनफ्लो है, कैश आउटफ्लो कितना देखिए पहले डिवाइड बाय इनफ्लो पर एनम, तो आउटफ्लो कितना बताए यहाँ पे 807,500 और डिवाइड बाय इनफ्लो कितना बताइए, आउटफ्लो कितना है, आउटफ्लो 50 लाख और इनफ्लो कितना 807, तो कितने साल में आपको मनी बैक आ रहा है बताइए, कितने साल में मनी वापस आ रहा है बोलो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना 10 लाख है, डेप्रिसिएशन कितना है 450 माइनस करने के बाद 550 आएगा, टैक्स कितना परसेंट है 35% है टैक्स, तो 550 का 35% 195,500 माइनस करने के बाद क्या आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐड करिए डेप्रिसिएशन ऐड करिए 450, तो 50 लाख माइनस 5 लाख बाय 10 450 ऐड करने के बाद कैश इनफ्लो आएगा 807,500, अब पेमेंट पीरियड कितना आएगा बताइए, फिर आउटफ्लो कितना 50 लाख डिवाइड बाय कितना करिए 807,500, तो कितना डिवाइड करने के बाद 6.19 ईयर, ठीक है, तक सेकंड केस के बाद देखिए एयर निकालना आपको, यहां देखोगे सबको
सेकंड देखिए एआरआर का फॉर्मूला क्या था बताइए, पहले एवरेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ टैक्स आपके पास है, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालिए, कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय टू प्लस वर्किंग कैपिटल, तो कितना कॉस्ट बताइए यहाँ पे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय टू प्लस स्क्रैप प्लस वर्किंग कैपिटल, तो कितना कॉस्ट है यहाँ बताइए, कितना कॉस्ट देखिए 50 लाख माइनस स्क्रैप कितना बताइए 5 लाख बाय टू तो 2750। अब एआर का फॉर्मूला क्या बताइए, एवरेज पेड बाय, तो एवरेज पेड कितना होता है, प्रॉफिट आउट टैक्स कितना देता हूँ 357,500 डिवाइड बाय 2750, कितना डिवाइड करने के बाद बोलिए 357,500 आएगा ना प्रॉफिट आउट टैक्स, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, टैक्स माइनस करने के बाद सॉल्व करिए 0.13 तो कितना परसेंट होता है 3%, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में डाउट है किसी को और, हेलो 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 13 के बारे में डाउट है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नेक्स्ट मेथड लिखिए डिस्काउंटेड पे बैक, नेक्स्ट मेथड का नाम लिखिए डिस्काउंटेड पे बैक। सौरभ जी एडमिट करिए एक बार, हेलो सौरभ जी एडमिट करिए एक बार, हेलो सौरभ जी एडमिट करिए एक बार, आ जा रहा हूँ सौरभ जी, हेलो नेक्स्ट देखिए इसके बाद
हेलो सौरभ जी, आवाज आ रहा है आपके नेक्स्ट डिस्काउंट पे बैक देखिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टॉपिक लिखिए डिस्काउंट पे बैग तो डिस्काउंट पे क्या होता है। देखिए प्लेबैक पे जैसा ही है, ये लगभग सिमिलर है, बस इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले कैश इनको निकालना पड़ेगा आपको। कैश इनको कैसे आएगा, देखिए ईयर एंड आपके पास है, पहले 1 2 3 प्रॉफिट आटा जैसे निकाल तो निकाल लीजिएगा। ऐड क्या करिएगा इसमें, डेप्रिसिएशन ऐड करिएगा, ऐड क्या करिएगा, डेप्रिसिएशन ऐड करिएगा और स्क्रैप वैल्यू अगर रहेगा ना, स्क्रैप वैल्यू किसमें ऐड करिएगा, स्क्रैप वैल्यू किसमें ऐड करिएगा लास्ट ईयर में, और वर्किंग कैपिटल किसमें ऐड करिएगा लास्ट ईयर में। ये दोनों किसमें ऐड करेगा सर, लास्ट ईयर में। इसके बाद क्या है, कैश इनफ्लो, ठीक है, प्रॉफिट टैक्स ऐड क्या करेंगे हम लोग, क्या निकाल रहे हैं डिस्काउंट पे बैक। तो पहले क्या निकालेंगे, कैश इनफ्लो निकालेंगे। तो कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे, देखिए कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे, आपके पास प्रॉफिट टैक्स रहेगा मान लीजिए, तो इंटू क्या करिएगा, फिर प्रॉफिट डेप्रिसिएशन ऐड करिएगा हर एक साल में, और स्क्रैप वैल्यू किसमें ऐड करेंगे सर लास्ट ईयर में, स्क्रैप वैल्यू किसमें ऐड करेंगे सिर्फ, और वर्किंग कैपिटल रियलाइज भी किसमें ऐड होगा लास्ट ईयर में। इसके बाद क्या है, कैश इनफ्लो, ठीक है, और कैश आउटफ्लो कैसे आएगा बताइए, आउटफ्लो कैसे आएगा बताइए। तो जो भी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड, वर्किंग कैपिटल दो जगह पे आएगा, एक तो आउटफ्लो में आएगा, वर्किंग कैपिटल दो जगह पे आएगा, एक तो आउटफ्लो में आएगा और एक इनफ्लो में आएगा। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ, ट्रांजेक्शन एक हुआ था लेकिन अमाउंट दो बार माइनस हुआ था, ट्रांजेक्शन एक ही बार, ट्रांजेक्शन एक ही बार हुआ था, पेमेंट मतलब एक बार होना चाहिए था, तो एक बार बफरिंग हो रहा था तो
उसके बाद नहीं, पिन एक ही बार जनरेट हुआ था, पिन जो जनरेट हुआ था ना वो एक बार हुआ था जनरेट। हाँ एक एक्स्ट्रा हो गया है। हाँ, स्कैन दो बार हुआ। हाँ स्कैन दो बार हुआ है। हाँ हाँ तो रिफंड पेटीएम में आएगा कि क्रेडिट कार्ड मिलेगा? हाँ पेटीएम लिंक है यूपीआई से। जो भी उसमें भी दिक्कत नहीं, वॉलेट में जाए चलिए, अकाउंट में जाए, उसमें दिक्कत नहीं है। कब तक आएगा ये? अच्छा नहीं तो क्रेडिट नोट देंगे तो क्रेडिट नोट दे दीजिए। हाँ बोले थे उस दिन, बोले थे उस दिन, हम बोले थे उस दिन। तो ठीक है ठीक है। हेलो, देखिए इसके बाद कैश आउटफ्लो जब निकालेंगे तो उसमें कॉस्ट ऑफ एसेट आएगा प्लस क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल आएगा। ठीक है यहाँ पर तो वर्किंग कैपिटल दो जगह पे आएगा, एक तो आउटफ्लो में भी आएगा और एक इनफ्लो में लास्ट ईयर में आएगा, लास्ट ईयर में रियलाइज आएगा और यहाँ पे इन्वेस्टेड आएगा। ठीक है, यहाँ तो डाउट है तो कैश इनफ्लो निकाल लीजिएगा, आउटफ्लो निकाल लीजिएगा। उसके बाद अच्छा पेबैक पीरियड में भी ऐसे ही करते हैं हम लोग, यहाँ तक सेम है पेबैक पीरियड में भी, पेबैक पीरियड में भी यहाँ तक आपका सेम है। इनफ्लो ऐसे निकालेंगे जैसे अभी नहीं आप निकाले हो और आउटफ्लो ऐसे निकालेंगे जैसे अभी आप निकाले हो, पर डिस्काउंटेड पेबैक में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिए, हेलो देखिए इसमें नया क्या है, पहले कैश इनफ्लो निकाल लीजिएगा, इसका पीवी फैक्टर मतलब डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करिएगा। डिस्काउंट फैक्टर निकालना आपको आता है, बताए थे फर्स्ट क्लास में, और अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट फैक्टर दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया रहेगा तो निकाल लीजिएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा। उसके बाद क्या निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, क्या निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। ठीक है, पहले ईयर एंड लिखिएगा 1 2 3, इनफ्लो लिखिएगा, पीवी फैक्टर लिखिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा पीवी फैक्टर से। उसके बाद क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आएगा, इंटू क्या करिएगा फिर, उसके बाद इसको ऐड करते जाइएगा तो क्या निकलेगा, इसके बाद क्यूमुलेटिव इनफ्लो निकलेगा। ठीक है, इस तरह से करना है। पहले ईयर एंड लिखिएगा 1 2 3, जो भी आपका ईयर एंड रहेगा, उसके बाद इनफ्लो लिखिएगा, इसके बाद पी फैक्टर लिखिएगा, इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो लिखिएगा, पीवीआईएफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, पीवीआईएफ। फिर इसका कंप्यूट करिएगा, उसके बाद जैसे करते हैं वैसे करना है, उसके बाद जैसे पेबैक पीरियड निकालते हैं वैसे निकालना है। ठीक है, तो पी फैक्टर मतलब क्या होता है बताया ना आपको,
और ये कैसे निकालते हैं, वन डिवाइड बाय वन प्लस आई पी पावर एन, कैसे आएगा पीवी वेक्टर, समझ में आया, वन डिवाइड बाय वन प्लस आई पी पावर एन। ईयर एंड लिखिए, वन टू थ्री इनफ्लो लिखिएगा, उसके बाद डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, उसके बाद पीवीआईएफ आएगा, उसके बाद क्यूबी करिएगा, तो वन डिवाइड बाई वन प्लस आई पी पावर एन, ठीक है। और कम्यूटेटिव कैसे आएगा, देखिए कम्यूटेटिव, इसके बाद देखिए क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 16 पर, 16 इसमें क्या निकालना आपको, डिस्काउंट पे बैक 16 में पढ़िए, इसमें देखिए आपके पास क्या क्या है, ईयर एंड आउटफ्लो कितना दिया हुआ है 80,000, और लाइफ कितना है 5 ईयर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन सेल मेथड से ऐड कर दीजिए तो कैश इनफ्लो आ जाएगा। पहले आप कैश इनफ्लो निकालिए, पहले क्या निकालिए, पहले आप कैश इनफ्लो निकालिए, तो ईयर एंड क्या देखें, यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ टैक्स है, ईयर एंड क्या 1 से लेकर 5 तक प्रॉफिट ऑफ टैक्स इतना है 6,000 है पहला, सेकंड कितना है 14,000 है, थर्ड कितना है 24,000 है, 16,000 है, और लास्ट में कितना नील है 80,000, माइनस नील डिवाइड बाय 5, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, फिर कैश इनफ्लो, तो पहला कितना हो गया 22,000, सेकंड कितना हो गया 30,000, फिर कितना आ गया 40,000, फिर 32,000, फिर 16,000, क्योंकि इनफ्लो आ गया, बोलिए उसके बाद क्या करिए, अब कैश इनफ्लो आ गया आपके पास, अब क्वेश्चन में कैश इनफ्लो अगर दिया रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं है, कभी कभी कैश इनफ्लो दिया रहेगा, कैश इनफ्लो टैक्स, ठीक है, अगर कैश इनफ्लो दिया रहेगा तो डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इसके बाद देखिए कंप्यूटेशन ऑफ पेबैक पीरियड, डिस्काउंट पेबैक, तो ईयर एंड आपके पास है
ईएन कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, डेप्रिसिएशन ऐड करिए, इसके बाद कैश इनफ्लो आ जाएगा आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, डेप्रिसिएशन ऐड करिए, ऐड करने के बाद क्या आएगा, कैश इनफ्लो आ जाएगा आफ्टर टैक्स 22 30 40 32 16, ठीक है। इसके बाद देखिए डिस्काउंट वेबर निकालिए, तो ईयर एंड कौन सा होता है, यहाँ पे वन टू इनफ्लो लिखिए पहले, इनफ्लो कितना है फर्स्ट वाले में 22, उसके बाद 30 40 32 16 इनफ्लो आ गया। इसके बाद देखिए पी फैक्टर दिया है 20% पे, कितना पी फैक्टर देखिए यहाँ पे 0.83 0.83 0.69। हाँ बोलो, नहीं चल रहा है तो पता नहीं क्या चल रहा है, पॉइंट एट थ्री, इसके बाद कितना देखिए 0.69, इसके बाद कितना है 0.58, इसके बाद कितना है 0.48, फिर कितना है इसके बाद 0.40। अब दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, परसेंट वैल्यू इनफ्लो पीवीआईएफ ए इंटू बी, मल्टीप्लाई करिए सबको, कितना 22,000.83 करिए 1820 2 0 2 0 700 2 3 2 00 6 4 1 5 3 6 0 6 4 00। अब इसका क्यूमुलेटिव निकालिए, इसको ऐड कर दीजिए 1 8 2 6 0 20 कितना 38,000 38 9 6 0, इसके बाद 38 48 58 61 62 160, ठीक है। इसके बाद सेवन सेवन फाइव टू जीरो सेवन नाइन ट्वेंटी टू थर्टी फोर्टी थर्टी टू सिक्सटीन लास्ट 83 9 2 0, अच्छा ये कितना 80,000
चाहिए कितना आपको? 87 चाहिए, इस दोनों के बीच में आएगा। 4 ईयर, फोर ईयर के बाद आ रहा है, प्लस माइनस ऊपर में जितना आ रहा बताइए, 81 माइनस 77520, तो कितना आएगा यहाँ पे? 2 4 2480, और नीचे कितना? 6400। ठीक है, 80,000 माइनस 77520 है, 2480 आएगा ना माइनस करने के बाद। उसके बाद डिवाइड करिए 6400 से, कितना आ रहा बताइए फिर? 4 पॉइंट डिवाइड करो 39। समझे से करना है। अब लोग ट्राई करिए 17 नंबर, तो 0.39 लिख सकते हैं उसको आप। सेवेंटीन ट्राई करिए,
हेलो। देखिए क्वेश्चन 17 जिनका हो गया 18 नंबर करिए, और जिनका नहीं होगा 17 नंबर देखिए। देखिए सेवेंटी नंबर इनका हो गया है 18 का ये, और इसमें आपको क्या निकालना है, डिस्काउंटेड पेबैक और कैश इनफ्लो आपको दिया हुआ है, इसमें डेपिसिट ऐड नहीं करना है। इसमें कैश इनफ्लो आपको डायरेक्ट दिया हुआ है तो इसमें ऐड नहीं करना है, ठीक है। देखिए सेवेंटी नंबर में डिस्काउंट पेबैक निकालना है आपको, ईयर एंड कौन सा, 1 2 3 कैश इन प्रॉपर्टी टैक्स दे, देखिए इसको ए ले लीजिए, 1,80,000। इसके बाद पी फैक्टर कितना दिया, देखिए 10% पे, तो बी ले लीजिए, कितना कितना है, 0.909, 0.826, 0.909826, और उसके बाद 0.751 मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, उसके बाद कैश इनफ्लो आ जाएगा, पीबीआईएफ। नाइन जीरो 9,00, 8,260, और लास्ट वाला कितना बताइए, 80,000 इंटू 0.751 कितना आ रहा है, 80,000 इंटू 0.751 6,080। फिर इसका केबल निकाल लीजिए, ऐड करते जाइए इसको, ऐड करिए इसके बाद 9,090 प्लस 8,260 कितना, और ऐड करिए 22 हो रहा, बहुत ज्यादा इसका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। 9,090 प्लस 8,260 के कितना ऐड करने के बाद, 173,500, फिर ऐड करिए इसमें 2,335,80, लेकिन आउटफ्लो कितना है बताइए, आउटफ्लो कितना है, 173,500 एग्जैक्ट आ रहा है यहाँ पे, तो आप लोग अलग क्यों आ रहा था, एग्जैक्ट आ रहा 2 ईयर, देखिए एग्जैक्ट नहीं रहा 2 ईयर,
ठीक है, इसको 18 नंबर करिए। चलिए 18 में आप लोग डिस्काउंट पेबैक निकालिए पहले, उसके बाद पेबैक पीरियड निकालिए, डिस्काउंट पेबैक निकालिए, दो आप लोग निकालिए। एनपीवी हम बताएंगे, पीआई हम बताएंगे। ट्राई क्वेश्चन नंबर 18। कंप्यूट पेबैक, पेबैक पीरियड से नॉर्मल निकालते हैं, इसमें तो आपको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, और क्या निकालिए। डिस्काउंटेड पेबैक निकालिए, चलिए ट्राई करिए आप लोग। ठीक है, इसमें पेबैक पीरियड निकाले पहले, जैसे आप पेबैक पीरियड कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट आप टैक्स दिया हुआ है, कैश इनफ्लो ऐड करिए, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऐड करिए, डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद कैश इनफ्लो आएगा, उसके बाद क्रेडिट करिए। पेबैक पीरियड में आपको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना, नॉर्मल जैसे करते हैं आप, पहले पेबैक पीरियड निकालिए, उसके बाद डिस्काउंट पेबैक निकालिए, ट्राई करिए आप लोग। ठीक है, 5 मिनट दे रहे हैं आपको सॉल्व करने के लिए। पेबैक पीरियड निकालिए, डिस्काउंट पेबैक निकालिए, ठीक है, एनपीवी और पीआई हम बताएंगे आपको। हेलो, वो आप लोगों पहले क्या निकाले, पेबैक पीरियड निकालिए, पेबैक पीरियड निकालिए, ईयर एंड के 1 से लेकर 5 तक,
और प्रॉफिट ऑफ टैक्स आपके पास है? प्रॉफिट ए ले लीजिए, कितना? 5, 8, 10, 12, 9। 5 ठीक है, प्रॉफिट टैक्स डेपोजिट करिए। कितना कितना बचा डेप्रिसिएशन? ये प्रॉफिट टैक्स 5, 8, 10, 12, 9 ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना है देखिए, कॉस्ट कितना है 1 लाख, स्क्रैप नील, लाइफ कितना 5 है, तो 1 लाख माइनस नील तो 20,000 आएगा ठीक है। अब ऐड कर दीजिए तो इनफ्लो आ जाएगा। इसके बाद क्या करें? इसको इम्प्रूव करिए। इसके बाद ट्वेंटी 5, 53, 83, 115, 144 तो आउटफ्लो कितना पता है यहाँ पे 1 लाख, तो 1 लाख कहाँ आएगा 3 ईयर के बाद। अब निकल जाए पेमेंट पीरियड 25 और 28 कितना हो गया 53 और 30, 83 और 32, 115 और 29, 144। तो कितना चाहिए आपको? 1 लाख चाहिए। तो कितने साल के बाद आ रहा है? 3 साल के बाद आ रहा है, तो निकालिए पेमेंट पीरियड। ठीक है अगर इसका पेपर पेड़ निकालिए। एक मिनट, 3 ईयर से ज्यादा होगा वन लाख माइनस 83 और नीचे में 115.83। सेवेंटीन थाउजेंड और डिवाइड पे कितना आएगा? 32। इतना 3.53 ठीक है। और क्या निकाले इसके बाद? 17/32 कितना 0.53, तो 3.53। और क्या निकाले इसके बाद? डिस्काउंट पे बैक तो ईयर कितना रहती है? 1 में देखिए पहले इनफ्लो कितना बताइए, फर्स्ट ईयर में इनफ्लो 25,
डेब्ट ऐड करने के बाद 25, 28 और क्या, इसके बाद 30 और क्या, इसके बाद 32 और कितना है 29। पी फैक्टर कितना बताइए, कितना परसेंट है पी फैक्टर? 10%। तो मल्टीप्लाई करिए इसको, कितना कितना है बोलिए। जीरो पॉइंट नाइन वन, फिर कितना है 0.83, 91 हो गया, 0.9183 हो गया। उसके बाद कितना है 7.5, इसके बाद 6.8, इसके बाद 6.2। अब मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए पहले 25,000 इंटू 0.91, 28 इंटू 0.83, 30 इंटू 0.75, 32 इंटू 0.68, 29 इंटू 0.62, कितना कितना रहा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट वाला कितना आ रहा बताइए, 25,000 इंटू 0.91, 22750। उसके बाद 28 इंटू 0.83, 32.75, उसके बाद 32.68, कितना आ रहा है 21760। इसके बाद 29.62, अब इसको ऐड कर दीजिए 22, ऐड करिए उसके बाद 1,7,1,7,980, ठीक है ना। फिर 22,750 प्लस करिए 23,250, कितना 4,5,990 आएगा ना सेकंड वाला। पहला वाला कितना है 22,750, फिर उसके बाद 23,450 ऐड करिए 4,5 आएगा 990। फिर 22 ऐड करिए 6,8,490।
लास्ट में कितना आ रहा बताइए, 108230। आउटफ्लो कितना 1 लाख है। ठीक है, उसके आउटफ्लो कितना 1 लाख है। डिस्काउंट पे कितना जाएगा बताइए। अब फोर ईयर तो रहेगा ही, प्लस कितना हो रहा बताइए यहाँ पे 108। 1 लाख माइनस 90250 और नीचे में 108230। ऊपर कितना है बताइए 9750 और नीचे 17। फोर पॉइंट कितना आ रहा बताइए अब 5-4। ठीक है, तो अगर पीबीआई पर टोटल करेंगे ना तो भी सेम आएगा आपका। अगर पीबीआई को टोटल करेंगे, टोटल पीबीआई कितना आएगा 108230 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट लिखिए एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका कैलकुलेशन सेम है यहां तक आपका, यहां तक आपका कैलकुलेशन सेम है, यहां तक 108230 यहां तक सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, बस ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, नेटवर्क भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। एनपीवी का फॉर्मूला लिखिए, यहाँ तो हो गया आप लोगों, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या इसका, देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो, सॉरी डिवाइड नहीं, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, तो पीबीआई कितना है टोटल, प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। एनपीवी मतलब क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो एनपीवी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ठीक है, तो कितना इनफ्लो बताइए यहाँ पे, टोटल इनफ्लो कितना आया था, दोनों डिफरेंस निकालिए, इनफ्लो कितना था टोटल, पीबीआईएफ टोटल 108251 माइनस 1 लाख, कितना माइनस करने के बाद 8230। तो एनपीवी का वर्किंग सेम है, जैसे आप कैश इनफ्लो निकालेंगे, पी फैक्टर से डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे, उसके बाद आउटफ्लो माइनस कर दीजिएगा, बस ये हो गया एनपीवी, समझ गए। तो वर्किंग सेम है इसका, और पीआई का फॉर्मूला क्या देखिए, पीआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, 108230 डिवाइड बाय 1 लाख, तो कितना आएगा डिवाइड करने के बाद 1.08 23। पीआई में दोनों को माइनस करना है, एनपीवी में दोनों को माइनस करना है, और पीआई में दोनों को डिवाइड करना है, बस ये फॉर्मूला है, समझ गए।
एक में माइनस और एक में डिवाइड, इतना ही डिफरेंस है। तो वर्किंग दोनों का सेम है, फॉर्मेट सबका सेम है, बस इसमें लास्ट में माइनस, मतलब एनबीवी में दोनों माइनस कर दीजिएगा और पीआई में दोनों डिवाइड कर दीजिएगा, बस इतना करना है आपको। डाउट यहां तक बोलिए। हेलो, यहां तक डाउट किसी को? तो आप लोग आगे होमवर्क करिएगा, ट्राई करिएगा 1920 जितना बन जाए आपसे, 1920 ठीक है। नेक्स्ट क्लास आप लोग का वेडनेसडे को एट सेम टाइम, कल थोड़ा काम है हमको, ऑफिस जाना है, तो नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को है। इस वीक में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तीन चार क्लास लगेगा और ठीक है। कल करेंगे हम लोग 19 के आगे, तो 19-20 आप लोग ट्राई करके आइएगा। सौरभ जी मीटिंग एंड करिए।